वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से पंचायती राज विभाग के सचिव ने पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण कर घरौनी वितरण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को 2 अक्टूबर तक डिजिटल घरौनी का लाभ उपलब्ध करा दिया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सचिव भारत सरकार को बताया गया कि सहजनवा तहसील की 304 ग्राम सभाओं का ड्रोन कैमरे से सर्वेक्षण चल रहा है, जिसे पूरा होने के बाद सदर तहसील में प्रारंभिक दौर में 334 ग्राम सभाओं में ड्रोन कैमरे से सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा, जिसमें 155 ग्राम सभाओं का कार्य शुरू कर दिया गया है। 7 ग्राम सभाओं का पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य ड्रोन कैमरे से पूरा कर लिया गया है। पंचायती राज सचिव भारत सरकार ने कहा कि 2 अक्टूबर 2021 तक ड्रोन कैमरे से सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया जाए, जिससे आने वाले समय में सभी ग्राम सभाओं के कार्य को ऑनलाइन किया जा सके। डिजिटल नक्शा ऑनलाइन होने से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि कब्जा पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग किया जाएगा और उसकी जमीन से संबंधित ई पोर्टल से उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आने वाले वर्षों में स्वामित्व योजना के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित संबंधित राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी पार्सल्स थे, प्लॉट्स जितने थे, जिसमें से सिर्फ 7424 में वितरण हुआ है और आपके पास डिटेल है। ठीक है जी, तो ये सब आप लोग अपने लेवल पे तैयार करें, जिसको कि फिर मॉनिटर किया जाएगा और इसको टाइम पर रहकर खत्म कर देना बहुत जरूरी है कि आपने कुछ ऐसा नहीं रह जाना चाहिए जो उसके बियॉन्ड भी चलता रहे। बस धन्यवाद। सर, इसके पहले जो वीकली रिव्यू मीटिंग हुई थी उसमें हमें 30 जिलों की प्रायोरिटी लिस्ट दी गई थी कि उसको खत्म करना है। उसमें से हमने जो मेरा जो ऑफिस है, जो लखनऊ ऑफिस है, उसमें मैंने देखा था कि 30 में से 15 जिले हमारे हिस्से में आते हैं और 15 में से 8 जिले ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुके हैं, मैप्स जनरेट हो चुके हैं, नहीं ड्रोन फ्लाइंग हो चुकी है और उसमें मैप जनरेशन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है। नहीं, यहाँ 2-3 चीज पर आप फोकस कीजिए। ड्रोन फ्लाइंग वाला तो ऑलरेडी आ चुका जी, यहाँ पर ड्रोन फ्लाइंग हो चुका, आपका मैप जनरेशन होना है, आपने फीचर एक्सट्रैक्शन कर लिया, आपने डेटा प्रोसेसिंग कर लिया जी, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जैसे जो आपका दिखाया गया जी, उसमें यहाँ पर सभी जिलाधिकारी जो मौजूद हैं आज के इस वीसी में, कुछ एक चीजें हैं जिसकी ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप लोगों का संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया टीम और आपके राजस्व परिषद के जो SPMU है उनकी नोडल टीम, इनके साथ नियमित तौर पर वार्ता विचार विमर्श होते रहा है। तो यहाँ पर हमें आपसे 3-4 चीज निवेदन करना है जिस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले कि जो लक्ष्य निर्धारित किया जाए उस पर सभी स्तर पर ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक व्यक्ति के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए कि लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो जो अभी जितनी चर्चा हुई है उसमें कुछ एक चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, जैसे 15 जिलों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य कंप्लीट हो चुका है, जितने वहां पर आपके आबादी वाले गांव थे उन सभी पर ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक जनपद हैं जो आपके जैसे बुंदेलखंड थे, वहां पर आप लोगों ने मार्च के महीने में ही ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीट कर ली थी। कुछ एक है जहां पर उसके कुछ बाद अप्रैल मई तक कंप्लीट हुई होगी, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन 15 जनपदों के लगभग 6,500-7,000 जितने भी गांव हैं उन सभी का ड्रोन फ्लाइंग आपका मई के महीने तक
कंप्लीट हो चुका है। अब है कि जिसका ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीट हो चुका उसको हम घरौनी तक की जो पूरी प्रक्रिया है, घरौनी के वितरण तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसका हमें टारगेट निर्धारित करना है। अब ये टारगेट को अगर आप देखते हैं, जैसा अभी बताया गया कि 15 अगस्त तक हम लोग करीब 10,992 गांव के घरौनी के वितरण का टारगेट हम लोगों ने रखा है। तो ये एक सामान्य दृष्टिकोण होगा कि इन 11,000 गांवों में जो 15 जनपद हैं, उनके सभी गांव सम्मिलित होने चाहिए ताकि वो गांव हम पूरा 100% सैचुरेट करके वहां पर हम काम खत्म कर लें। और जो अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, तो यहां पर ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीट हुआ, दैट इज स्टेप नंबर 1। उसके बाद है कि डेटा प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन और मैप जनरेशन, जो सर्वे ऑफ इंडिया को करना है। यहां पर देर आर गैप्स, मतलब जो यहां पर इन्होंने 11,000 का ये किया है उसमें से हमने इनसे पूछा कि क्या ये 7,500 या 7,000 गांव जो हैं इन 15 जनपदों के सारे इसमें कवर्ड हैं। तो यहां पर देर आर सम गैप्स, जो बताया गया कि 6-7 जनपद तो हैं जहां पर मैप ही जनरेट करके स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को वापस दे दिया गया था। उसके बाद जब आप एनालिसिस करेंगे तब है कि मैप हमें मिल गया, तो उसके बाद उसका जो पड़ताल होना है और पड़ताल होने के बाद जो उसमें करेक्शंस किए जाने हैं वो करके आपके यहाँ से सर्वे ऑफ इंडिया को वापस आया या नहीं आया, फिर सर्वे ऑफ इंडिया को दोबारा उन करेक्शंस को पूरा करते हुए आपको मैप 2 देंगे, जिसके बाद आप नोटिस आदि की कार्रवाई करेंगे और नोटिस आदि की कार्रवाई के बाद तब जाकर आप घरौनी को फाइनल स्वरूप, फाइनल रूप देने में के लिए तैयार हैं। उपस्थित हैं आप सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप सभी के जनपदों में कुछ ना कुछ गांवों में ये प्रक्रिया पिछले एक वर्ष के दौरान पूरी की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के स्तर पर एक कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2020 को हुआ था, जिसमें उन्होंने 763 गांव के लोगों को, 1,00,000 लाभार्थियों को उन्होंने घरौनी का वितरण किया था। और उसके बाद बीच के अंतराल में आपके मुख्यमंत्री जी के स्तर से एक वितरण कार्यक्रम आपका दिसंबर जनवरी में हुआ था, और उसके बाद आपका 24 अप्रैल 2021 को कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हम लोग क्यूमुलेटिव तरीके से करीब 2,006 गांव के लाभार्थियों का हम लोगों ने घरौनी वितरण किया था। तो ये 2,006 जिसका हो चुका है, अब हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि करीब 11,000 गांव का हम घरौनी वितरण का कार्य जो है वो 15 अगस्त तक पूरा कर दें। और इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो सभी आप लोगों की जानकारी में है कि आपके जनपद का कितना है कितना नहीं है। यहाँ पर हमारा आप सभी लोगों से, इंक्लूडिंग सर्वे ऑफ इंडिया और सभी उपस्थित जिलाधिकारियों से, दो अनुरोध है। पहला जो हम लोग विचार कर रहे थे कि 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीट हो चुका, तो क्या हम इन 15 जनपद के जितने भी गांव हैं, मेरा अपना अंदाजा है कि इन 15 जनपदों के अधिसंख्य गांवों का आप लोगों ने मैप जनरेट भी कर लिया होगा और उनको उपलब्ध भी करा दी होगी। डेटा प्रोसेसिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन का काम तो लगभग, मतलब कोई बिरला ही छूटा होगा किसी कारण से, अन्यथा वो काम आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। लेकिन इसे आप देख करके अगर कोई भी गांव इन 15 जनपदों का छूटा हुआ है जिसका मैप जनरेट नहीं हुआ है, आपने फीचर एक्सट्रैक्शन कर लिया, डेटा प्रोसेसिंग कर ली, तो फिर कोई कारण नहीं है कि हम उसका मैप जनरेट करा करके इनको तुरंत उपलब्ध नहीं कराते। अभी है आप लोगों से भी अनुरोध है कि ये जो 15 जनपद हैं जहां ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीट हो चुका है,
आप लोग ये असेसमेंट कर लें और तुरंत से संपर्क स्थापित कर कि मेरे इतने गांव हैं जिनका अभी मुझे मैप वन नहीं मिला है, वो आप हमें अगर हम 30 जून तक यानी अगले 6 दिनों में युद्ध स्तर पर काम करके हम इनको उपलब्ध करा देते हैं